तो शेर भी देखने को, पहली बार देखने को ये है स्पॉटेड डियर शेर, बब्बर शेर इलाका देखो कितना खतरनाक बेटा। देखो ले पे रोटी भी बनाई जाएगी, काठियावाड़ी फूड भाई की स्माइल। Everybody, everything is packed and good morning from Gir Forest. गाड़ी में सारा सामान तो रख दिया, बट एक प्रॉब्लम हो गई है मैन, जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ सफारी के लिए पहले बुकिंग करनी पड़ती है, एंड यहाँ एक देवलिया सफारी है गिर में ही, सारे एनिमल दिख जाते हैं लायन एंड ऑल, एंड वो अभी 11 बजे बंद हो चुकी है, अब 3 बजे खुलेगी, तो मेरे को 3 बजे तक यहाँ रुकना पड़ेगा, लेट होऊंगा आज मैं बहुत ज्यादा। अपनी होटल से मैंने चेकआउट कर दिया, तबीयत खराब के चलते लाइट ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ये पोहे और ये अमूल कोल, यहाँ इससे बेटर की उम्मीद नहीं की जा सकती। 4 घंटे क्या टाइम पास करूँ क्योंकि अभी सफारी बंद हो गई है। ये एक सोनियर शॉप है यहाँ पे, अब यहाँ से मैंने कैब बाई की है, लो भैया ये कर दो, तो यहाँ से भी आप टिकट करा सकते हो देवलिया सफारी के लिए, और ये सोनियर शॉप थी जिससे मैं कैब लेके आया हूँ। गिर स्पेशली लॉयन के लिए फेमस है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉयन है, तो आप नॉर्मल भी कोई भी सफारी करते हैं ना तो आपको लॉयन दिख ही जाता है। यहाँ से एक नारियल पानी पी रहे हैं, क्या करें टाइम पास तो करना ही है, तो चले ब्रेकफास्ट करके नारियल पानी पी के सफारी करने के लिए, लेकिन सफारी तो 3 बजे मिलेगी दोस्त, तो अभी तो टाइम 12 भी नहीं बजे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। यहाँ आपको ढंग से डिटेल्ड वीडियो बनाना है ना, एनिमल्स पे आराम से रिसर्च करनी है, बढ़िया बर्ड्स फोटोग्राफी करनी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, तो आपको बहुत पहले बुकिंग करानी पड़ेगी, और उसके बाद आप अपनी यहाँ पे जीप बुक करवा सकते हैं, आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी। अभी तो आगे 10-15 दिन तक बुकिंग ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, नहीं तो मैं एक दिन और रुक जाता अगर एक दिन का और ऑप्शन होता है इधर, मतलब कल मेरी बुकिंग हो जाती तो भी मैं रुक जाता, लेकिन अब बुकिंग हो ही नहीं रही है। तो यहाँ देवलिया सफारी है एक मात्र जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर टाइम बुकिंग मिल जाएगी, तो उसी में मैं आया हूँ। इधर क्या गवर्नमेंट की बसेस चलती है जिनके थ्रू आप देख सकते हैं, ये देखो शियार वगैरह यानी जैकल वगैरह भी इधर घूमते हुए आपको दिख सकते हैं, ये टूरिस्ट भी मतलब इधर तक आ सकता है। इधर तो लाइन का बोर्ड है, मतलब यहाँ पे तो शेर भी देखने को मिल सकता है, ये एरिया देखो पूरा जंगली इलाका आ गया है। तो ये टिकट ले लिया है, एंड वो आगे चल के वहाँ पे बस खड़ी है भैया, जो भी है बस में जाना हुआ है यहाँ पे, अभी यही ऑप्शन है सफारी करने का। बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हुए इस टाइम, स्कूल मोस्ट ऑफ द स्कूल वाले फैमिली वाले लोग, एंड अभी क्या वैसे वेकेशन का टाइम है, एंड ये बस की फ्रंट सीट पे अपने को जगह मिल गई, एंड सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ से अपने को नज़ारे फुल बढ़िया देखने को मिलेंगे। इससे पहले मतलब मेरे को ये लगता है कि पीछे के साइड में कोई जगह मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, अब यहाँ से देखो अपने को फ्रंट का नज़ारा हो गया और इधर का अलग हो गया, तो मैंने एक्स्ट्रा 360 रख लिया है शॉट लेने के लिए। गिर फॉरेस्ट के हैं मंदिर, और अपने ड्राइवर साहब ने पोजिशन ले ली, और यहाँ से देखो एंट्री गेट रहता है देवलिया सफारी का। तरीके की रोड्स बनी हुई है जिन पे बस भी चल सकती है, मेरे को ये पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले हम रणथंभौर गए और कई जगह सरिस्का भी गया था, वहाँ तो सिर्फ जिप्सी से सवारी कराई जाती है या उसमें अलग तरीके की बस रहती है, और ये जंगली इलाका है, यहाँ हमें चांसेस है कि शायद लॉयन देखने को मिल जाए अगर हम लकी रहे तो, बाकी इनको पता रहता है ये उसी रूट में लेके जाएंगे जहाँ लॉयन दिख सकता है। तो ये है स्पॉटेड डियर जो सामने की तरफ देखने को मिला है, एवरीबडी वो वहाँ पे शेर नहीं है, सफारी करो ना तो आपको नियर बाई नहीं दिखेंगे इस टाइम दोपहर में, वो अभी क्या है कि गर्मी है तो रेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एवरीबडी वो देखिए शेर, बब्बर शेर सो रहा है यहाँ पे, बस पेड़ की दूसरी तरफ है तो ढंग से व्यू नहीं देखने को मिल रहा है, वो देखिए वो वहाँ पे सो रहा है। जंगल का ये इलाका देखो कितना खतरनाक लगता है दिखने में, यहाँ अगर आपको ढंग से सफारी करनी है ना तो थोड़ा लोकल के हेल्प से आओ, और इसमें एक बुकिंग रहती है फॉरेस्ट में प्रॉपरली, जिसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगी, वो आपको बढ़िया ओपन में ढंग से बिल्कुल अंदर ले जाके अच्छे से दिखाएंगे। अगर आपको ओपन सफारी करते हो ना तो आपको लेपर्ड तो नहीं देखने को मिलता है इतना आसानी से, जो यहाँ अभी देखने को मिलता है गिर में। एक वो आंधी आंधी देख लिया वो तो अल्टीमेट है। अपने को दोबारा मिल गए, एंड कल मैं मिला था, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा लंच करेंगे उसके बाद निकलेंगे। ये जो पेड़ है ना गाइस, ये बता रहे हैं किस चीज का, केसरा, ठीक है, ये बहुत ही कॉस्टली रहते हैं, फलों का राजा बोला जाता है इस आम को। ये आम की खासियत ये होती है, ये फल छोटा होता है, अगर आप एक आम को अगर चाकू से आप लगाओगे कट उसमें तो आपके तीसरे घर तक इसकी खुशबू आती है। अच्छा, इसीलिए इसको केसर आम बोला जाता है। इस बार खाने के लिए जरूर आएंगे।
होता है। अच्छा ये केसर आम है जो गिर में है ना, ये गिर शास्त्र गिर में, अगर यही पेड़ ले जाकर आप अपने घर पे लगाओगे तो ये वाला टेस्ट नहीं आएगा, नहीं इसमें ना ही ये वाली स्मेल आएगी जो इसकी खुशबू जो रहती है। ये पेड़ इधर ही, इधर का जो क्लाइमेट है ना उस हिसाब से ये फल इसी पेड़ में और इधर ही होगा। अच्छा, तो ये केसर आम है। ओके, जो हमने भैया अपने को काठियावाड़ी फूड खिलाने के लिए लाए हैं, तो ये क्या क्या होता है सर, इस फूड की खास बात है? ये हमारे काठियावाड़ का, लोग हमेशा कंफ्यूज होते थे गुजराती और काठियावाड़ में, लोग समझते गुजरात में सब लोग मिठाई खाते, पर ऐसा नहीं है। हमारा काठियावाड़ ये जो एरिया है ना पूरा गिर जंगल 1600 किलोमीटर, ये हमारा काठियावाड़ कहलाता है। okay. काठियावाड़ में हमारा थोड़ा देसी रहता है, जिसमें बाजरे की रोटी आ गई, बैंगन का भरता आ गया, खिचड़ी कढ़ी हो गया, दूध हो गया, ये सब हमारा मतलब देसी रहता है और हमारा तीखा रहता है। खाना बन रहा है देसी तरीके से, ये छोटा सा किचन, आ सकते हैं आपके किचन में? तो ये चूल्हे पे रोटी बोटी बनाई जाएगी, ये बाजरे का आटा है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। और देखिए देसी स्टाइल में बन रहा है खाना, मक्खन। अच्छा, मक्खन मक्खन सब घर का ही? सब घर का है, मालदारी है। अच्छा मालदारी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखिए काठियावाड़ी फूड है, ये बैंगन का रहता है, ये सेव टमाटर की सब्जी, और ये आम का अचार, और ये गुड़, और ये बाजरे की रोटियां विद मक्खन, और ये लस्सी। कौन कहता है पंजाब में ये कल्चर है, ये तो गुजरात में भी है। और ये सैलेड है। भैया ने बड़ा बढ़िया सा हमें लंच करवाया आज का। इधर लोगों की खूब भीड़ देखने को मिल रही है, इधर लोगों की खूब भीड़ देखने को मिल रही है अपने को। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से भावनगर की तरफ, अभी मैं 2 दिन भावनगर स्टे करूंगा, कंटिन्यूसली ट्रेवल हो रहा है गाइज, बहुत थक गया हूँ, कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। यार यहाँ गुजराती भाई से तेल डलवा रहे हैं, भाई की स्माइल देख के दिल प्रसन्न हो गया। भाई सब्सक्राइब करोगे? अरे यार थैंक यू यार। तो अभी थोड़ी देर में अपने दोस्त के पास पहुंच जाएंगे, मैं कंटिन्यूअसली ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने ब्रेक भी नहीं लिया अभी, बस एक छोटा सा ब्रेक लिया, जस्ट गाड़ी में तेल कम था तो थोड़ा सा तेल डलवाया।